हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का ये आपका सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, कैसे मतलब उस पूरा आपको बेसिक से लेके चला है और थोड़े अच्छे क्वेश्चन तक आए। और इस वाली वीडियो में आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताऊंगी। तो अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले पहली वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। इफ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 36 मीटर, हाउ हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंसेस। मतलब इसमें बोल क्या रहा है, एक बॉल है, अगर हम उसे उछाल रहे हैं तो पहले उछाल पे मतलब क्या है, वो 2/3 उसकी जितनी भी हाइट है, मतलब अगर उसे ऊपर हमने उछाला और जितनी से वो गिरी है उसका 2/3 वो राइज करेगी। फिर इसमें बोल रखा है कि बॉल को जो है हम कितनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं, हम फेंक रहे हैं 36 मीटर की ऊंचाई से हम उसे फेंक रहे हैं। अब बताना है कितनी ऊंचाई पे वो बाउंस हो, मतलब आप में वो समझिए, जैसे हमने बॉल को जैसे खेलते हैं टप्पा मारते हैं ऐसे, तो बॉल को हमने नीचे डाला और फिर वो उछल के फिर से ऊपर आती है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर पहली बार में बॉल उछल के आएगी तो वो कितने तक आएगी, अपने हाइट के 2/3 की उस पर आएगी, फिर से वो करेंगे फिर से इसी पे ही आएगी। और इसमें पूछ रखा है अब कि तीसरा जो बाउंस हो बॉल का उस पे वो कितनी हाइट तक आए। ठीक है, पहले तो अगर हम इसे करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका पहले ही समझिए, बॉल ऐसे यहाँ से है, बॉल यहाँ पर है, बॉल को हमने डाला, ठीक है, फिर वो उछल के ऐसे गई, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला बाउंस, ठीक है, फिर ऐसे होके फिर से हो गई होगी, फिर ऐसे हो गई होगी, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये तो हमें पूछा है थर्ड बाउंस पे कितनी हाइट पे वो मतलब कितनी हाइट तक बाउंस करा हुआ उसने। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दो टाइप से आपको बता दे रही हूँ कैसे करेंगे। पहला जो है 36 हुआ मीटर जहां से इसने बॉल गिरी है, ठीक है, 36 मीटर पहले वाले बाउंस में कितने पे गई है, 2/3, इसका 2/3 निकालेंगे हो जाएगा 12, 24, फिर ये पहला हुआ, फिर दूसरे पे ऐसे ही हम निकालेंगे 24 का 2/3, फिर से इसे काटेंगे 16, ठीक है, फिर से इसका 16 का करेंगे 2/3, ये कटेगा नहीं, ये आपका मिक्स सेक्शन में आएगा, ठीक है, तो ये मिक्स सेक्शन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर ये तो हो गया, हम ऐसे कर देंगे। इसका दूसरा तरीका और क्या है, बिना कुछ वो करे, मतलब ये बार बार सॉल्यूशन ही ना करना पड़े, इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा मेथड है आपका कि डायरेक्ट आप एक ही लाइन में आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। मान लीजिए 36 हाइट है पहले, तो ये ठीक है 36 है, कितनी बार ये बाउंस कराया इसने, 3 बार, तो कितनी हाइट तक कराया, 2/3, ठीक है, 2/3, 3 बार हम लिखेंगे इसे 2/3 और 2/3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8/27 36, ठीक है, जितनी बार कटेगा वो, और फिर आपका क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी, वही आपका होगा आंसर। तो ये तो हो गया आपका बाउंसिंग वाला, अगर कॉन्सेप्ट में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो ये, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगी वो किसी न किसी एग्जाम में आपके आ रखे होंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन अ क्लास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑफ अ स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:8 एंड 15 मोर स्टूडेंट एडमिटेड टू ईच क्लास, रेशियो वुड हैव बिकम 6:8:11, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट वर देयर इन द बिगनिंग। इसमें बोला था अगर कोई स्कूल है उसमें क्या है, बच्चों का जो रेशियो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में जो रेशियो दे रखा है वो है 3:5:8। अगर 15 बच्चे और ऐड हो जाए, 15 ये नहीं 15 इसमें ऐसा नहीं है, 15 बच्चे मतलब टोटल तीनों क्लासेस के जो टोटल है 15 बच्चे और ऐड हो जा रहे हैं, तो क्लासेस में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो रेशियो बनेगा क्लासेस का वो बनेगा 6:8:11, ठीक है। अब बोला है कि ऐड होने से पहले बिगिनिंग में स्टार्टिंग में जो ऐड होने 15 बच्चे जो ऐड हुए हैं उससे स्टार्टिंग में कितने टोटल स्टूडेंट थे स्कूल में वो हमें बताना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हमें दोनों
प्रीवियस सबसे पहले बिगनिंग वाला रेशियो लेंगे वो है 3:5:8, फिर है हमारा 6:8:11, और फिर बाद में क्या करेंगे पहले वाला और दूसरा वाला जो रेशियो है सबका पहले डिफरेंस चेक करेंगे डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। डिफरेंस इस दोनों में देखते हैं, इसमें है 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3:3 का डिफरेंस है, ठीक है ये 11 है, सब में 3:3 का डिफरेंस है और डिफरेंस ही इक्वल पहले देखना चाहिए, यही मेन चीज है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर ये डिफरेंस क्या आया 3, ये डिफरेंस क्यों आया है क्योंकि 15 बच्चे ऐड हुए हैं, ठीक है टोटल में, तो 15 बच्चे ऐड हुए हैं और डिफरेंस 3 है, तो हम 3 को इक्वल कर सकते हैं 15 के, और 1 की वैल्यू क्या होगी 3, तो हो जाएगा हमारा 5, 1 की वैल्यू आएगी हमारी 5। अब ये है हमारे पहले के और ये है बाद के, अब इनका टोटल चाहिए, इनका टोटल क्या होगा 3, 5, 8, ये हो जाएंगे आपके 16, ठीक है ये हो जाएंगे 16। तो ये तो 16, ये 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और 16 हमारे पास है टोटल, अगर हमें 16 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, हमारी जो स्टूडेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80, 80 स्टूडेंट थे पहले 15 ऐड होने से पहले। अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि 15 ऐड होने के बाद जो वो स्टूडेंट का नंबर है वो कितने होगा, मतलब कितने स्टूडेंट हो गए, तो हम इनका प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 14, और ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है 25 हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 25 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 125। ये बाद के बच्चे हैं और ये बिगनिंग के, मतलब पहले के बच्चे हैं, ये तो हो जाएगा इस टाइप का। अब एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना उसे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है अ सम ऑफ रुपीज 430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, टोटल अमाउंट इज गिवन टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12:15:16, बट अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर इन द रेशियो 6:5:6:5:4, फाइंड ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड रिसीव, ठीक है। इसमें है अगर 430 रुपए, जो 430 रुपए है पूरे टोटल वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, मतलब बांटे गए हैं 45 लोगों में, उनमें कौन कौन है, मैं आदमी है, पुरुष है और आपकी औरत है और बच्चे हैं, ठीक। फिर है अमाउंट, टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट दिया गया है मैन वुमेन एंड चाइल्ड को वो किस रेशियो में दिया गया है 12, 15, 16। फिर है लेकिन जो अमाउंट रिसीव हुआ है सिंगल मैन को, सिंगल वुमेन को और सिंगल चाइल्ड को, वो कितना हुआ है, किस रेशियो में हुआ है 6:5:4, ठीक है। अब बताना है कि हर मैन को, वुमेन को और चाइल्ड को कितना कितने पैसे मिले हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, पहले तो हम जो रेशियो है पहले वाला वो देखते हैं, 12:15:16, ये तो है आपका टोटल का, ठीक। फिर है सिंगल का, सिंगल का रेशियो कितना है, हर मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो है ये, ठीक है। सिंगल में कितना है 6:5:4, 6, 5 और 4, ये तो हो गया। और अगर एक पर्सन की बात करें उसका तो कितना होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक का पता चल जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 4, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगल का रेशियो। फिर इसमें क्या है, ये देखिए आप कितने हैं 2 + 3 + 9, ये हो जाएंगे आपका इसका सम 9, और हमारे पास ये टोटल का ही है, ठीक है। ये टोटल का हमारे पास कितने हैं 45 लोग हैं, यहाँ पे 45 पीपल हैं, तो हम 9 को इक्वल लिख सकते हैं 45 का, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है 1 की वैल्यू आ गई 5। आप क्या करेंगे, इसका टोटल मैन वुमेन की वैल्यू आ जाएगी, जो इसको 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 10, 15, 20, ठीक है 5 × 10, 5 × 15, 5 × 4 = 20, ये हो गया। फिर इसमें देखिए ये हमारे टोटल वाला वैल्यू है जो मतलब पहले से हमारे पास है, ये कितने रुपए हैं 430 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे थे, 430 रुपए टोटल है। अब इनका टोटल करिए कितना होगा 5, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, ये भी कितना होगा 43। अब 43 को इक्वल रख सकते हैं 430 के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो इसमें आप 0, 0 ऐड कर दोगे
इतने मेन के पास हुए, इतने वुमेन के, इतने चाइल्ड के, ठीक है, ये तो हो गया टोटल का। अब हमारे पास जो रेशियो आया था मैन वुमेन और चाइल्ड का, वो इसको बता दीजिए, मैन वुमेन और चाइल्ड का कितना है? 10, 10 आपके मैन है, 15 वुमेन है, 20 चाइल्ड है, ठीक है। और 10 मैन को कितनी मिली है? 120 रुपए। और तो फिर एक को कितनी मिलेगी? 120 से जब हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। ऐसे ही 150 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 160 को, 160 ही है ना हमारे यहाँ पे, 15 था ये, हाँ 160 है। इसको हम 2:1, सॉरी एक बेटा मिनट, 2:1, हाँ ठीक है, 160 को हम डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करना है? 20 से। ये करेंगे कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 160 को करा है हमने 20 से, 0 और हमारा 8, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। एक मैन के पास कितने हैं? ये मैन की है, ये वेमेन की है और ये चाइल्ड की है। ये आगे हमारा पूरा जो पूछा था कि बताना है मैन के पास कितने पैसे हैं, वुमेन के पास और चाइल्ड के पास। हर एक मैन के पास है 12 रुपए, एक वुमेन के पास है 10 रुपए और एक बच्चे के पास है 8 रुपए। ये तो हो गया एक एक का, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अगर ये पूछता कि टोटल मैन के पास कितने हैं, टोटल वुमेन के, तो टोटल आपके पास ये वैल्यू है, आप इससे कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये तो हो जाएगा इससे। और अगर मैं एक और पार्ट और लेके आऊंगी, इसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले अगर पार्ट में कोई दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो अगर प्लीज फ्रेंड, एक चीज और बोलूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एग्जाम मंत्रा से, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।